देखिए, आज हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स में। वो चैप्टर नंबर 3 है जो बात करता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। आज के सेशन में हम आपके साथ बात करेंगे सैलरी चैप्टर की, और आज हम आपको सैलरी का मीनिंग बताएंगे, इसमें कितने सेक्शंस को कवर किया गया है और सैलरी कब चार्ज की जाती है। आपको याद होगा मैंने आपको सेक्शन 4 बताया था, जिसे बताया था इनकम चार्ज अंडर टैक्स ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें आपको बताया था कि इनकम किस तरीके से चार्ज होता है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है जिसमें एक सैलरी भी थी। इसके लिए आज हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो इनकम अंडर द हेड सैलरी पढ़ रहे हैं। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है SS सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, जिसके मालिक का नाम मिस्टर शाह है और जिसमें जो बंदा काम करता है उसका नाम है अभी। ठीक है, इसमें मालिक को हम एम्प्लॉयर के नाम से जानते हैं और कर्मचारी को हम एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। अगर मेरा और आपका मालिक का रिलेशन है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तुम मेरे पास आते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, तुम्हें मैं पैसा दे देता हूँ और तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, तो मेरा आपका मालिक वाला रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर सैलरी के अंदर आपको आना है तो आपका मालिक के साथ क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं पेयर पे का रिलेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए, तभी आप क्या कहलाओगे, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो यहाँ लिखा है कि हेयर इन द अबव डायग्राम वट एवर मिस्टर अभी और द एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर मिस्टर शाह इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, बट द रिलेशन बिटवीन देम शुड बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तभी उसे सैलरी में कवर करना, कितना भी अमाउंट मिले, चाहे उसे पर मंथ 1 लाख रुपीज क्यों ना मिलता हो, वो तभी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर किया जाएगा जब मेरा और आपका किसका रिलेशन होगा, मालिक और कर्मचारी का होगा। क्लियर। इसमें एक टॉपिक चलते से बोलते हैं आर्म लेंथ रिलेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो सीधा सीधा रिलेशन। मान लो एक सलमान खान है जिसे एक कमल सब्बरवाल व्यक्ति ने हायर किया और एक मूवी के लिए हायर किया गया, क्या सलमान खान इस बंदे की बात को सही तरीके से मानेगा? नहीं, वो एक इंडिविजुअल है, वो अपनी बातों को रखेगा और उसकी बात को नहीं मानेगा। तो जो सलमान खान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनके साथ जुड़ता है और जो भी कमल सब्बरवाल सलमान खान को देते हैं वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं है, वो सलमान खान की जो इनकम होगी वो किसके अंदर कवर की जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर की जाएगी। क्लियर, क्यों? क्योंकि तो उनके बीच में किसका रिलेशन नहीं है, सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह और कोई और होता जो किसी काम के लिए कमल सब्बरवाल से जुड़ता तो क्या होता, मास्टर सर्वेंट होता और उसको सैलरी जो भी मिलती वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर की जाती। अच्छा सर, जो कंपनी के अंदर पार्टनर्स होते हैं क्या वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं? हाँ जी, पार्टनर को आपने देखा होगा सैलरी मिलती है, तो वो किसके अंदर कवर होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर होते हैं। क्लियर। लेकिन सर कंपनी में डायरेक्टर्स भी तो होते हैं। देखो, हर कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं। कौन से डायरेक्टर होते हैं? 2 डायरेक्टर्स होते हैं। जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हो तो वहां पर लिखा जाता है, डायरेक्टर की सारी बात लिखी जाती है कि आपको 10 से 6 आना है, यही आपको काम करने हैं, ठीक है, आपकी ये ड्यूटी, आपको पर मंथ 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। गॉट इट? कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं कि तुम्हें 10 से 6 नहीं आना है, तुम्हें आना है 1-2 घंटे के लिए, मैनेज करना है, देन चले जाना है। तो जो 10 से 6 आ रहा है उससे जो सैलरी मिलती है उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर करेंगे। लेकिन जो मैनेजर बन के डायरेक्टर बना है, मतलब एज अ बिहाफ ऑफ मैनेजर काम कर रहा है कंपनी में, है वो भी डायरेक्टर्स, बट जो उसे हम पैसा देंगे वो सैलरी के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि जब हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसकी ना ही टाइमिंग डिफाइंड थी और ना ही उसका वर्क, उसे खाली मैनेज का काम करना था, कंट्रोल का काम करना था। तो जो उसको सैलरी मिलेगी, जो उसको अमाउंट मिलेगा उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर किया जाएगा, सैलरी के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टर हुआ कंपनी हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी का क्या नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं होता, अगर वो किस काम के लिए कर रहा है, मैनेज का काम कर रहा है। लेकिन अगर वो अपनी टाइमिंग फिक्स रखता है कि मैं 10 से 6 आऊंगा, ये काम करूंगा, तो वो जो पैसा मिलेगा वो सैलरी के अंदर कवर किया जाएगा। सर ऐसे कौन होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में चार्ज नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज की जाती है। क्लियर? इसी तरीके से गेस्ट लेक्चर, आपने कहा सर आप मेरे कंपनी में आइए और मेरे सभी एम्प्लॉय को इस टॉपिक पर एक लेक्चर दे दीजिए, मोटिवेशनल दे दीजिए, मेरी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड आके आप मेरी कंपनी में दीजिए, उसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा, तो मेरी वो इनकम तो है लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगी, वो मेरी सैलरी की इनकम नहीं। तो ये बात रखोगे, यहाँ पर लिखा है पार्टनर ऑफ द फर्म, मैं आपको बता चुका हूँ पार्टनर सैलरी होती है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने बताया ना कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं अगर उनकी सारी बातें मेंशन है तो वो सैलरी के अंदर कवर होंगे, अदरवाइज वो किसके अंदर जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। और कंपनी के बिहाफ से अगर मैं आपको सैलरी देता हूँ तो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, तो किसके अंदर कवर करूंगा, पीजीबीपी के अंदर कवर करूंगा। क्लियर? तो ये बात आपको याद में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 14 जो बात करता है हेड्स ऑफ इनकम। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी सोर्स ऑफ इनकम, हाउ मेनी सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, आपकी इनकम के सोर्सेज कितने होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कितने सोर्सेज होते हैं, फाइव होते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग, मैंने पूछा हाउ मेनी सोर्सेज, सोर्सेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप एक जगह सैलरी के रूप में 10 जगह काम कर रहे हो, आपके 4 हाउस हैं, तो सैलरी के सोर्सेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, हेड 5 ही होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि मैं बोल रहा हूँ सोर्सेज कितने, सोर्सेज तो कई सारे हो सकते हैं लेकिन जो हेड्स है वो 5 है, जिसमें आपको पता है सेक्शन 14 बताता है हेड्स ऑफ इनकम, देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम, फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज पीजीबीपी, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसलिए मैंने ये डायग्राम मेंशन किया हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम। आप कह सकते हो सर मेरे 5 होंगे, मुझे पता है आप लोग बोलोगे 5 क्योंकि आपके माइंड में वो सेट हो सकता है कि 5 ही हेड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं सुना कि सोर्स की बात चल रही, हेड की बात नहीं। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हो कि सैलरी के रूप में मैं ए से पैसा ले रहा हूँ, बी से पैसा ले रहा हूँ, सी से पैसा ले रहा हूँ, डी से पैसा ले रहा हूँ, ई से, हेड एक है लेकिन सोर्सेज बहुत सारे हैं। इसी तरीके से मेरे हाउस है एक्स वाई जेड, ठीक है, लेकिन हेड कितने हैं, तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे हाउ मेनी सोर्सेज, कह सकते हो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हेड पूछे तो 5। ये बात कौन बताता है, सेक्शन 14 हेड ऑफ। क्लियर? और सेक्शन जो 4 था वो पूरे इनकम टैक्स को बताता है कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन सेक्शन 40 जो बताता है वो हेड ऑफ इनकम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय तभी होगा जब आपके बीच में मेरा क्या होगा, रिलेशंस होगा मालिक और कर्मचारी का, अदरवाइज को इसमें कवर नहीं किया जाएगा। बिफोर एनी इनकम कैन बिकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इट इज वर्चुअल दैट देयर शुड एग्जिट बिटवीन द पे एंड पे रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको किसी भी रूप में पैसा देता हूँ एज अ सैलरी के बिहाफ से और आपसे जो भी काम करवाता हूँ वो किसके अंदर कवर होगा, सैलरी के अंदर कवर होगा। अब सर मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ या पार्ट टाइम करता हूँ उससे कोई मैटर नहीं होता। क्लियर? लेकिन मैं जो आपसे काम करता हूँ वो काम करते 2 घंटे में आकर, अब आपको फुल टाइम सैलरी मिले या फिर पार्ट टाइम उससे कोई मैटर नहीं है, वो किसमें चार्ज किया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ लिखा इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज फुल टाइम और पार्ट टाइम, वन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एग्जिट द इनकम इज टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी। गॉट इट? चलो एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे भी रखा है कि मिस्टर ए 4 जगह जॉब कर रहा है, तो उससे जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर चार्ज की जाएगी। किसके अंदर चार्ज की जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर चार्ज जाएगी। इसके बाद होता है फॉरगोइंग एंड सैक्रिफाइस ऑफ इनकम। सर ये क्या होता है? कई बार आपने देखा हो कुछ आपदा आती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई जगह लोगों को पैसे की नीड पड़ती है, आपने देखा एक स्टेट में प्रॉब्लम आ गई, आपने कहा सर मेरा दिल बहुत दुख रहा है, आप ऐसा करो मुझे सैलरी दो, एम्प्लॉयर ने सैलरी दी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने 2,000 रुपये निकाल के कहा कि सर ये पैसा लो और आप वहां पर कंट्रीब्यूट कर दें, या मालिक ने कहा कि देखो वहां एक फैमिली बहुत परेशान है, आप में से जो भी कोई सहयोग करना चाहता है वो मुझे पैसा दे दो, मैं उनको सहयोग कर दूंगा। क्लियर? सैलरी का दिन आया, मालिक ने कर्मचारियों को सैलरी दी, सैलरी मिलने के बाद कुछ कर्मचारी का सर ये लो 2,000 रुपये मेरा पैसा उनको जमा करा दो। तो अगर तुम क्या करते हो, फॉरगोइंग और सैक्रिफाइस ऑफ सैलरी,
तो जो जितना भी आप दे रहे हो वो सब तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा, तो माइनस नहीं किया जाएगा। सर क्यों, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले सैलरी को लिया है उसके बाद अच्छा आप काम कर रहे हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि अगर सैलरी ड्यू हो जाती है और उसके बिहाफ से आप सैलरी देते हो, क्या करते हो, उसके बिहाफ से आप सैलरी देते हो, तो आपकी सैलरी में से माइनस नहीं होगी। माइनस वो तभी होगी जब आप उसे क्या करते हो, सरेंडर ऑफ सैलरी, मिलने से पहले ही कहते हो कि सर मुझे क्या कर देना, सैलरी में से 2,000 काट के देना, 10,000 मत देना, 8,000 ही देना, 2,000 आप वहां दो, तो उसे क्या बोलते हैं, सरेंडर ऑफ सैलरी। और उसे इनकम टैक्स में क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। याद तो फिर रखोगे 8,000 पे भी टैक्स आठ लगेगा। हजार पे टैक्स लगेगा, 2,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, याद रखोगे। तो ये दो बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, एक होता है फोरगोइंग और सैक्रिफाइस ऑफ सैलरी, जो पूरी टैक्सेबल हो, जो आप पैसा दोगे वो माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, सरेंडर करते हो सैलरी को, तब जितना आप सरेंडर करके जो आपका अमाउंट बचेगा उस पर आपको टैक्स देना, एक्स्ट्रा पे आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। चलो सेक्शन 40A या अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इसे हम स्किप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सेक्शन हम 15 की, जो बताता है चार्जिंग सेक्शन। इसके लिए बताता है आपका चार्जिंग सेक्शन बताता है। जैसे अब जितने भी हेड्स ऑफ इनकम पढ़ोगे आप, सबका एक चार्जिंग सेक्शन होगा। जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 है, ऐसे आगे चल के जब आप एक सेक्शन पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका सेक्शन 22 है। आप पीजीबीपी पढ़ोगे, उसका सेक्शन 28 है। जब आप कैपिटल गेन पढ़ोगे तो उसका सेक्शन 45 है। तो सबके एक चार्जिंग सेक्शन होगा, जिससे ये सैलरी टॉपिक या सैलरी चैप्टर गवर्न होता है। ये कौन बताता है आपका, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन। लिखा है सैलरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। सैलरी पर टैक्स कब लगे, ड्यू बेसिस पर मिले या फिर रिसीव बेसिस। तो यहाँ लिख दिया विच एवर इज अर्लियर। कैसे सर, अगर सैलरी ड्यू हो गई मिली नहीं तो तब भी सरकार को टैक्स दो, सैलरी मिल गई ड्यू नहीं हुई तब भी सरकार को आप टैक्स दो। जैसे जनवरी की सैलरी मुझे कब रिसीव हुई, मार्च में, लेकिन आप जनवरी का टैक्स आपको कब देना पड़ेगा, फरवरी में। किस पे, ड्यू बेसिस पर। क्लियर, लेकिन हुआ क्या, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने मालिक से जनवरी में कह दिया कि सर मुझे फरवरी मार्च और अप्रैल की सैलरी दे दो, अभी वो सैलरी ड्यू नहीं हुई लेकिन मुझे क्या हो गई, रिसीव हो गई। तो किस बेस पर कटे जाएगा, रिसीव बेसिस पर। तो यहाँ साफ साफ मेंशन लिखा है सैलरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव, व्हिचएवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होता है। आपको ड्यू हो गई तब भी आप टैक्स दो, आपको रिसीव हो गई तब भी आपको टैक्स दो। क्लियर, मान लो आज रिसीव हो गई और नेक्स्ट मंथ वो क्या होती है, ड्यू होती, तो फिर टैक्स मत काटना क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स दे चुके। एक इनकम पे कभी भी दोबारा टैक्स देने की आपको आवश्यकता नहीं। चले आगे, और सेकंड पॉइंट आता है एरर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 क्लॉज 1। सर ये क्या होता है एरर ऑफ सैलरी, एरर ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं था ये मुझे मिलेगा लेकिन मिल गया। जैसे सपोज दैट क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी ने कहा कि हर साल हम आपको 10% का इंक्रीमेंट करके पैसा देंगे, ये हमारा आपका एग्रीमेंट हो गया। लेकिन 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि मालिक ने हमसे ये कमिटमेंट की थी अब वो पूरी नहीं कर रहा। उस बिहाफ से हम कहाँ चले गए, कोर्ट चले गए, मालिक के ऊपर केस किया और कंपनी ने या फिर कोर्ट ने कहा कि आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे अपने कर्मचारी को क्योंकि आपने उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्लियर, अब आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। अब उसे क्या बोलेंगे, एरर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 क्लॉज 1। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे कभी सोचा नहीं था कि वो ड्यू होगा। अब ड्यू नहीं हुआ तो रिसीव नहीं हुआ और अब एक साथ मिल रहा है तो उसे क्या नाम दे दिया हमने, एरर ऑफ सैलरी। क्लियर, कि अगर आपको वो भी तो रिलेशन था ना आपका मेरा, उसी के बिहाफ से तो मुझे पैसा मिल रहा है, इसलिए अगर ड्यू और रिसीव चल रहा था तो ठीक है और ड्यू रिसीव नहीं चल रहा था तब आप उसे किसमें कवर कर लोगे, एरर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 क्लॉज 1। गॉट इट, तो याद रखोगे सेक्शन 15 बोलता है चार्जिंग सेक्शन, जो आपको बताता है कि आप सैलरी पर कैसे टैक्स चार्ज करोगे, ड्यू बेसिस रिसीव बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर, एंड सेकंड एरर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 क्लॉज 1। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मुझे 15-16 में ड्यू है 3 लाख, रिसीव है 2,80, तो टैक्स किस पे लगेगा, ड्यू बेसिस पर, तो 3 लाख पर टैक्स लगेगा। क्लियर, किस पे लगेगा, 3 लाख पर लगेगा।
इन शॉर्ट आप कह दो कि विच एवर इज हायर, जो ज्यादा उस पर टैक्स दे दो। के लिए अब नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर 3 लाख पर टैक्स दे दिया, इसका मतलब मैंने कितने में ज्यादा टैक्स दे दिया, 20,000 रुपए। अगले साल कितनी ड्यू हुई, 3,50, दिए कितने, 3,40। टैक्स कितने पे लगेगा, 3,50 पे लगना चाहिए, कितने लगना चाहिए, 3,50 पे लगना चाहिए, 20,000 ऑलरेडी ज्यादा दे दिए, तो मतलब कितना हो गया, 20,000 कम मिले, ड्यू हुए थे 3 लाख, रिसीव हुए 2, तो कितने कम हुए, 20,000 रुपए कम हुए, तो उसका 20,000 रुपए नेक्स्ट ईयर मिले होंगे, जो 3,40 मिले उसमें से कितना माइनस करो, 20, तो कितने मिलने चाहिए थे, 3,20, ड्यू कितने हो रहे हैं, 3,50, तो टैक्स कितने पर देना पड़ेगा, 3,50। इन शॉर्ट जो दोनों में से ज्यादा होगा उसका टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, सरकार हमेशा ज्यादा पर लेना चाहती है, कम पर टैक्स नहीं लेना चाहती। चले तो ये बात आपको क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, एरिया ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 क्लोज। ड्यू मतलब यही हो गया ना कि इतनी सैलरी मिलनी थी, मिलनी थी। ड्यू मतलब ये हो गया, जब से मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, आप मैं जैसे मंथ क्लोज हुआ उसके बाद जो मुझे पैसे दो ड्यू, लेकिन मैं मंथ चल रहा है, मैं 10 तारीख को आता हूँ, सर सैलरी दे दो, आपने कहा नहीं नहीं मिलेगी नहीं, मैंने कहा सर एडवांस दे दो आप ले लो, क्योंकि आपकी सैलरी ड्यू नहीं हुई थी, इसलिए आपने क्या नहीं किया, पैसा दिया नहीं। जब पैसा ड्यू हो जाएगा तब आपको, क्लियर, तो इस पॉइंट को याद रखना। वही सेक्शन मैंने बताया कि 2017 में मैंने कोर्ट केस किया, 3 साल बाद उसका रिजल्ट आया और कोर्ट ने कहा कि आप उसे 7,20,000 दे दो, इसे हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सैलरी। सर ये 5 लाख मिलता है जिस पर टैक्स लग जाएगा। हाँ जी, लेकिन हम एट द एंड ऑफ ईयर तो यही देखते हैं ना कि बंदे ने सैलरी से कितना कमाया, उसको मिलना कितना था, वो तो मैटर है, लेकिन एक प्रोफेशनल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो जब टीडीएस काटती है, जैसे आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपको ड्यू रिसीव बेसिस पर लेकर चलती है, लेकिन अगर हम किसी नॉन प्राइवेट कंपनी की बात करें, छोटी मोटी, उनमें तो ये मैटर थोड़ा सा रह जाता है, इंडिविजुअल की हमने एटीआर फाइल करनी, तो ये देखेंगे उसका कितना कमाया सैलरी से। जी जी बिल्कुल। अब बात करते हैं सेक्शन 16। देखो सैलरी के 3 ही सेक्शन है, वैसे तो 4 सेक्शन आप बोल सकते हो, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। दीज आर 4 सेक्शन इज कवर इन सैलरी, बट हम सेक्शन 14 को इसलिए कवर नहीं करते क्योंकि वो चार्जिंग सेक्शन है, वो बताता है कि कितनी हेड्स ऑफ इनकम होती है। के लिए तो मैक्सिमम आपके 3 ही सेक्शन है सैलरी में, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। अगर आप सेक्शन 16 की बात करेंगे तो उसमें आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर, सेक्शन 16 ही बात करता है डिडक्शन की, और डिडक्शन का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, डिडक्शन मींस टू गिव बेनिफिट टू एसएससी। आपने 10,000 कमाया, उसमें तो 2,000 माइनस कर दो, तो कितनी सैलरी होगी, 8,000, तो 2,000 जो आपको बेनिफिट मिला उसे हम क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। तो डिडक्शन अपीयर टू क्लेम मेड टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, डिडक्शन क्या हो जाती है, आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करती है। इसके लिए हम सेक्शन 16 पढ़ रहे हैं, जो क्या बताता है डिडक्शन के बारे में। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मीनिंग सिंपल सा है, सरकार ने कहा है आप कर्मचारी हो, आप एम्प्लॉई हो, किसी के यहाँ जॉब करने जाते हो, आने जाने में किराया लगता है, कभी आपको कुछ खाने का मन होता है, पूरे साल में अप्रोक्सीमेट मान लो आपका 50,000 रुपया क्या लग जाता है, खर्चा लग जाता है आने जाने का, तो आप जितनी भी सैलरी कमाते हो उसमें से डायरेक्टली कितने माइनस कर दो, 50,000 माइनस कर दो, और जो सैलरी निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 4,40,000 रुपए की इनकम हुई, उसमें से 50,000 रुपए की बिना सोचे क्या दे दोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 क्लोज 1 के हिसाब से। एक बात और मेरी याद रखना कि जो सेक्शन जिस पॉइंट में लिखा हुआ है वैसे लिखना है, आप तुम सेक्शन 16 लिख के उसे 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 तो गलत है। हर एक सेक्शन एक मीनिंग देता है, आपको जिस सेक्शन में जिस पॉइंट में लिखा है वही पॉइंट आप कोट करेंगे। अगर मैंने इस पॉइंट में लिखा है, ठीक है, इसी में लिखना है, 1, 2, 3 में नहीं लिखना है, वो गलत प्रेजेंट करेगा। एक बात भी छोटी छोटी हमें ध्यान रखनी है, या लो पढ़ रहे, ऐसा नहीं तुमने 1, 2, 3 कर दिया तो आपका अलग हो जाए, आपको सेक्शन 16 को इसी पॉइंट में लिखना है। क्लियर, तो आप यहाँ पर लिखो, अगर आप पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या लिखा है, मीनिंग क्या लिखा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड बेनिफिट टू द सैलरी क्लास पर्सन फ्लैट 40,000 रुपीज फाइनेंशियल 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 अबव दिस लिमिट इंक्रीज बाय 40 to 50,000 रुपीज। पहले ये जो आपका फाइनेंशियल 18-19 में था वो 40,000 होता था, एंड देन 19-20 ऑड वन इसको कितना कर दिया गया है, 50,000 कर दिया गया, और टोटल अब आपकी सैलरी कितनी होगी,
आप जितना भी कमाओगे उसमें से सीधा सीधा 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। चले आगे, नेक्स्ट सेक्शन 16 क्लॉज सेक्शन 2 या सेक्शन 16 क्लॉज 2 इंटरटेन अलाउंसेस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपकी कंपनी क्या देती है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस देती है, आपकी कंपनी कहती है आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत करते हो, क्लियर, मेहनत के साथ साथ आप क्या करो थोड़ा इंजॉयमेंट करो, उसके लिए पैसा हम आपको देंगे, लेकिन कंडीशन है आप कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए तब हम तुम्हें किसका बेनिफिट देंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंसेज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ लिखा है लीज ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, इनमें से जो सबसे कम होगा उसकी माफी देंगे, क्लियर, जो इनमें से सबसे कम होगा उसको हम माफी देंगे। सर कैसे, एक्चुअल अमाउंट आपकी कंपनी ने कहा मैं आपको 10,000 देता हूँ, मैंने कहा अच्छी बात चलो मुझे एक्चुअल अमाउंट कितना मिल गया 10,000, लेकिन माइनस कितना करना है 5,000, मैक्सिमम कितना 5,000, मिला 10, कितना था हम अलाउ, कितनी लिमिट 5,000 की, और दूसरा तीसरा पॉइंट है 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ इंडिविजुअल, और 10,000 का मान लो मेरी सैलरी 20,000 है, 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000, तो इन तीनों में सबसे कम कौन सा 4,000, तो माफी कितने की मिलेगी 4,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट, जो सबसे कम होगा उसकी माफी, किसकी माफी देंगे जो तीनों में सबसे कम होगा, क्लियर, एग्जांपल कर लें ताकि क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन गेट सैलरी 8,000 पर मंथ एंड प्रोवाइड इंटरटेनमेंट अलाउंसेस 500 पर मंथ एक्स्ट्रा ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावा उसे 500 रुपये पर मंथ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के मिलते थे, तो सैलरी कितनी हो गई, टोटल इनकम कितनी हुई से 8,000 इंटू 12 कितना हो गया 96,000, 6,000 आ गया, उसे एक्चुअली मिला कितना 6,000, क्योंकि 500 रुपये पर मंथ इंटू 12 कितना हो गया 6,000 हो गया, मैक्सिमम लिमिट कितनी की 5,000 की, और अगर 96 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 18,200, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा 5,000, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 5,000, क्लियर, तो याद रख लोगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सेक्शन 16 क्लॉज सेक्शन 3 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल इज एग्जेम्प्ट, मतलब जो लोअर हो तीनों में से उसे आप क्या कर देना माइनस, एक्चुअल अमाउंट 5,000 रुपीज एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ इंडिविजुअल। एंड थर्ड पॉइंट आता है प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर आप किसी कंपनी के क्या हो एक प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स वी नो वेरी वेल एडवोकेट डॉक्टर्स एंड सीए, दीज आर प्रोफेशनल, आपको पता है प्रोफेशनल रहने के लिए भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। एक कहानी बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप की कंपनी ने एक वैकेंसी निकाली और कहा कि मुझे एक सीए हायर करना है, लोगों ने अपने सीवी भेजे, वहां पर किसी एक बंदे का सिलेक्शन हो गया और उसे सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई, वो काम करता गया, एक साल काम किया परफेक्ट तरीके से काम हुआ कोई दिक्कत नहीं, दो साल काम किया कोई दिक्कत नहीं, तीसरे साल उसने देखा कि यार मैं सीए बने रहने के लिए ना हर साल एक खर्चा करता हूँ जिसे बोलते हैं मेंबर फीस, हर सीए को एक मेंबर फीस पे करनी होती, जिस साल एक सीए मेंबर फीस नहीं पे करता उसकी जो सीए की डिग्री होती है उसे क्या कर देते हैं हटा दिया जाता है। तो उसने सोचा यार मैं दो साल से तो कर ही रहा हूँ मुझे क्या दिक्कत, मेरी कंपनी में सब कुछ बने जाता है, उस कंपनी उसने क्या किया तीसरे साल उस क्या नहीं पे करी प्रोफेशनल सर्विस या फिर मेंबर फीस की पेमेंट नहीं करी, उसने कहा मेरा सब कुछ चल रहा है। ये बात पता चल गई किसको, कंपनी को, कंपनी ने कहा आज से आपकी जॉब खत्म, कि अब आप क्या नहीं हो एक सीए, क्या नहीं हो आप सीए। तो इसलिए सेक्शन 16 क्लॉज 3 के हिसाब से अगर आप जॉब के दौरान हो और आप कुछ प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसकी भी आपको क्या मिलेगी डिडक्शन, और पूरी डिडक्शन मिलेगी, क्या मिलेगी पूरी डिडक्शन। तो यहाँ लिखा है प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेवी अंडर द स्टेट एक्ट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। कई बार मेरे ऊपर जो लायबिलिटीज थी, मैं प्रोफेशनल हूं मुझे टैक्स देना चाहिए था लेकिन मेरे मालिक ने टैक्स दे दिया, अगर आप परेशान हो तो आपको टैक्स मैं बोलूंगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, आप इसे प्रोफेशनल टैक्स के नाम से भी जानते हैं और किस नाम से भी जानते हैं, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। सच डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, ड्यू बेसिस पर नहीं, कि सर ड्यू हो गया अगले साल पे कर दूंगा, अगर पे किया है तब डिडक्शन लो, नहीं पे किया डिडक्शन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसमें सी पॉइंट, इफ एनी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब मालिक,
pay any professional tax on behalf of its employee, then it will be first be included in salary as perquisite and then allowed as a deduction. अगर कोई मालिक अपने कर्मचारी की प्रोफेशनल सर्विस को पे करता है तो जितना पैसा वो पे करेगा पहले वो सैलरी के अंदर ऐड करेगा और उसके बाद उसकी क्या दे देगा, डिडक्शन दे देगा। परक्विजिट मतलब होता है काइंड में, दया में वर्ड के साथ जोड़ोगे किसको, परक्विजिट। जैसे मान लो मेरे मालिक ने 5,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है, तो पहले 5,000 हमारी सैलरी में ऐड करेगा, माइनस कर देगा 3,000, 5,000 रुपये जितने पे किए। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। वट एवर अमाउंट इज पेड बाई एम्प्लॉई दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड। मान लो केस वन में पेड बाय एम्प्लॉय 5,000 रुपये क्या किया है उसने पे किया, लेकिन उसके मालिक ने उसे कोई पैसा नहीं दिया, तो जब वो इनकम टैक्स भरेगा तो उसमें कितने की डिडक्शन मिल जाएगी उसे, 5,000 रुपये की कोई डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा केस में कितना पे किया उसने, 5,000 रुपये के, मालिक ने भी कितना दे दिया, 5,000, तो डिडक्शन कितने की मिल जाएगी, 5,000 रुपये। कितने की डिडक्शन मिल जाएगी उसे, 5,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी और सैलरी में भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में मैंने 5,000 पे किए, ठीक है, कितने पे किए, 5,000 पे किए, मालिक ने दिए कितने, 2,000 रुपये दिए, तो मुझे डिडक्शन कितने की मिलेगी, 5,000 की, और सैलरी में कितना ऐड होगा, 2,000। मैंने पे एक भी नहीं किया, मालिक ने कितना दिया, 5,000 दिया, तो मेरी डिडक्शन कितने की मिलेगी, 0, और सैलरी में ऐड कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक है, मैं पे करूंगा तभी डिडक्शन मिलेगी ना, मेरे मालिक ने पे कर दिया भाई सैलरी में ऐड कर लेगा, क्या हो जाएगा, ऐड। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, वट एवर अमाउंट इज पेड बाई एम्प्लॉय दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड। तो याद रखोगे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में सेक्शन 16 तीन पार्टों में था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फ्लैट है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सेक्शन 16 क्लॉज 2 बताता था आपका इंटरनेमेंट अलाउंसेस दो तीनों में से कम होगा एक्चुअल अमाउंट 5,000 एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ इंडिविजुअल्स। और थर्ड था प्रोफेशनल सर्विस, जितना आप देते हो या आपके व्यापार मालिक देता है उसके आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सेक्शन 17 आता है, वो बात करता है डेफिनेशंस की, इसकी बात करता है डेफिनेशंस की, और यही सेक्शन इतना बड़ा है कि इसे करते करते हमारी आने वाली 3-4 क्लासेस इसी सेक्शन के थ्रू निकल जाएगी। सेक्शन 17 जो डेफिनेशन की बात करता है। सर आपने भी तो हमें सेक्शन 2 के अंदर बोला था डेफिनेशन वहां कवर है, वहां हर चीज की डेफिनेशन, यहाँ सैलरी की डेफिनेशन बताई जाएगी कि सैलरी की डेफिनेशन किस कहते हैं। अब तुम्हें समझ आएगा सैलरी की डेफिनेशन क्या है। सैलरी डेफिनेशन, सैलरी इंक्लूड सैलरी इंक्लूड वेजेस एन्युटी पेंशन ग्रेच्युटी फीस एंड कमीशन परक्विजिट प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी एडवांस सैलरी लीव इन 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 कैशमेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सेक्शन 80 CCD प्रोविडेंट फंड बोनस अपेरियर एरियर ऑफ सैलरी या पेरियर ऑफ सैलरी। तो ये सब किसके अंदर कवर करेंगे, सेक्शन 17 के अंदर। सैलरी का मतलब ये होता है, साथ साथ इसमें अलाउंसेस बट मुझसे छोड़ गए, दोबारा बता रहा हूँ, सैलरी आपको सैलरी कवर हो जाएगी, वेजेस कवर हो जाएगा, एन्युटी कोई वार्षिक आपको गिफ्ट दिया जाता है या कोई पैसा दिया जाता है उसे एन्युटी के अंदर कवर कर लेंगे, कोई पेंशन मिलती है वो आ जाएगी, ग्रेच्युटी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, आज रिटायर हो रहे हो तो आप उससे कुछ पैसा ले लो अपने जीवन को व्यतीत करने की आने वाले दिनों के। इसके साथ साथ फीस एंड कमीशन, कई कंपनियां आपको फीस के पैसे देती है आपको कमीशन के पैसे देती है वो भी आपकी सैलरी का पार्ट है। परक्विजिट में कुछ दया में आपको पैसा देता हूँ, हम क्या बोलते हैं परक्विजिट बोलते हैं। सर दया में कैसे होता है, हमने कहा कहाँ से आते हो, हमने कहा बहुत दूर से आता हूँ, ऐसा कर मेरे पास यही घर है वहीं रह ले कोई पैसा मत दियो, ठीक है, तेरे पास गैस सिलेंडर है, नहीं मेरे पास नहीं, तू मेरा लेके चला ले, तेरे पास स्कूटी है, नहीं तू मेरा लेके चला ले, वो क्या है परक्विजिट। आप हम दया दे रहे हैं लेकिन सरकार उसे आपकी इनकम में ऐड करेगी। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी, ठीक है, प्रॉफिट एंड ल्यू होता है कि सैलरी के स्थान पर कुछ और पैसा मिलना, इसके लिए हम एक सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 17, सेक्शन 17 क्लोज 3। इसके बाद एडवांस सैलरी, वी नो वेरी वेल एडवांस लीव इनकैशमेंट, आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं उसके बदले आपको कुछ पैसा मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सेक्शन 80 CCD प्रोविडेंट फंड एंड देन लास्ट आएगा बोनस एंड लास्ट वन अपेयर ऑन सैलरी। ये सब किसके अंदर कवर किया जाता है, सेक्शन 17 के अंदर कवर किया जाता है
डेफिनेशन ऑफ सैलरी की। तो आज हम अपने सेक्शन को यहीं स्टॉप करते हैं, कल से दोबारा सेक्शन 17 को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एक बार रिकैप कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने आज आपको जो सेक्शन चैप्टर पढ़ाया वो चैप्टर 3 था, जो बात करता था इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर आप किसी के साथ मालिक और कर्मचारी का रिलेशन रखते हो या एम्प्लॉय का रिलेशन रखते हो, उसके बदले आपको जो भी पैसा मिलता है उसे किसमें कवर किया जाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर किया जाता है। इसके लिए हम पेयर पे ही बोल सकते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बोल सकते हैं, मास्टर सर्वेंट बोल सकते हैं। तो अगर इनके बीच में रिलेशन होता है तो आप जो भी पैसा दोगे किसके अंदर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर होगा। इसी तरीके से एक बात थी आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप, सीधा सीधा रिलेशन होना चाहिए मालिक और एम्प्लॉय का। क्लियर? अगर आप सलमान खान को बुला के उसे कोई काम करवाते हो तो वो आपका मालिक और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा। कंपनी के जो पार्टनर होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर की जाती है। नहीं, सैलरी के अंदर नहीं, मैंने गलत बोला है, अगर पहले बोल दे तो गलत है। मालिक को जो भी सैलरी मिलती है वो उनकी इनकम का पार्ट बनता है और पीजीबीपी के अंदर गलत हो, कवर होता है। हाँ जी, चलो इसके बाद डायरेक्टर्स मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं। पहला डायरेक्टर्स वो होता है जो टाइमिंग फिक्स होती है, कितने दौरान आएगा ये काम करेगा, उसको जो भी सैलरी मिलेगी वो सब किसके अंदर कवर होगी? सैलरी के अंदर कवर होगी। लेकिन एक डायरेक्टर जो मैनेज करने आता है, कंट्रोल करता है, चले जाता है, और उसको जो भी सैलरी मिलेगी वो किसके अंदर कवर की जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर की जाएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हो पार्लियामेंट के, उसके आपको सैलरी मिलती है वो किसमें कवर की जाएगी? अदर सोर्सेज में कवर की जाएगी। गेस्ट लेक्चर, आपने मुझे बुलाया और कहा कि सर मैंने यहाँ पर क्या दे दो, लेक्चर दे दो, मैंने आपके यहाँ पर लेक्चर दिया, आपने जो मुझे पैसा दिया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर की जाएगी। फिर हमने सेक्शन 14 की आपके साथ बात की थी, हेड्स ऑफ इनकम। दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद हमने आपके साथ बात की थी सेक्शन 15 की, जो आपके साथ बात करता था किसकी? आपका सेक्शन 15 बात करता था चार्जिंग सेक्शन की। किसकी बात करता था? चार्जिंग सेक्शन की, कि इन सैलरी में टैक्स कब लगेगा। तो ड्यू रिसीव व्हिचएवर अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा उस पर आपको टैक्स देना है। फिर दूसरा था एरिया ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 क्लोज 1। अगर आपको क्या मिल रहा है, अगर आपको आज आपके साथ किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एज एम्प्लॉय एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉय अपनी बात पर नहीं टिका, आप कोर्ट केस गए, आपने केस किया, उसके बाद आपको पैसा मिला, तो जो भी आपको पैसा मिलेगा वो किसके अंदर कवर किया जाएगा? सैलरी के अंदर कवर किया जाएगा। इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89 क्लोज 1 के बेसिस। क्लियर? इसके बाद सेक्शन 16 हमने पढ़ी, हमने बताया डिडक्शन होती है और ये 3 टाइप्स की होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है, 50,000 रुपये मिलेगा आप जितना भी कमाते हो। एंटरटेनमेंट अलाउंसेज मैं आपको बता चुका हूँ, 3 पार्टों में होता है, ओनली ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। एक्चुअल अमाउंट 5,000 एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया था प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट टैक्स, कि अगर आप प्रोफेशनल रूप में कोई भी टैक्स सरकार को देते हो तो आप जितना ही पे करोगे आप उसकी क्या ले लोगे? डिडक्शन ले लोगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो पहले वो आपकी सैलरी में ऐड करेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो। इसके बाद सेक्शन 17 मैंने आपके साथ बात करी, जो बात करता है डेफिनेशन की, जिसमें मैंने आपको सैलरी का मतलब बताया कि सैलरी कहते किसे, सैलरी, वेजेस, एनुटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस एंड कमीशन, परक्विजिट, प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव, इनकैशमेंट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 80CCD, प्रोविडेंट फंड, बोनस, ये सब किसके अंदर कवर किया जाता है? सैलरी के अंदर। और इसके साथ आप अलाउंसेस को भी जोड़ लो। तो ये हमारा आज का सेक्शन था, बाकी हम अपने सेक्शन 17 क्लोज 2 एंड क्लोज 3 को कल कवर करेंगे।